फास्ट स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसकी आशंका थी। दुनिया भर में फैले कोरोना के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में आने की खबर आ चुकी है। ओमिक्रॉन के दो मरीज कर्नाटक में मिले हैं, इसकी पुष्टि आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद की है। जानकारी के मुताबिक मरीजों में एक भारतीय डॉक्टर है और दूसरा दक्षिण अफ्रीका का बताया जा रहा है। अब खबर यह है कि ओमिक्रॉन भारत में आ गया है, इससे डरना जरूरी है क्योंकि इस वेरिएंट की वजह से कई देशों में लॉकडाउन लग चुका है। 15 से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया, कंप्लीट बैन। भारत में भी एयरपोर्ट पर अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं ताकि इसे फैलने से किसी तरह से रोका जा सके, क्योंकि ये देखा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन इस बीच लोग फिर से डर रहे हैं, वो 1.5 साल पुराना डर लौट आया है और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज उसी डर, इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में आपको बताना जरूरी है। चौबीस घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में। उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के इस बयान से कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के भारत में पहुंच जाने की पुष्टि हो गई है और इसी के साथ एक बार फिर देश में कोरोना की दहशत भी बढ़ने लगी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता तब चला जब कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका से आए 93 लोगों का टेस्ट किया गया। एक मरीज 11 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर को भारत पहुंचा है। दोनों मरीज आइसोलेशन में हैं और उनकी हालत स्थिर है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है। कई देश अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा चुके हैं। फिक्र इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बीटा और डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले तेज रफ्तार से फैलता है। कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो। इवन डेल्टा वेरिएंट जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। WHO ने बताया है कि इसमें करीब 45 से 52 के करीब ओवरऑल म्यूटेशन नोट की गई हैं। मोस्टली इन सारे केसेज में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं, अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं। अब जरा सोचिए, भारत जैसे बड़े देश में जहां 130 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, वहां अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल गया तो क्या होगा? कोरोना ने दूसरी लहर में किस तरह से देश में तबाही मचाई थी वो अभी तक कोई भूल नहीं पाया है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले दोनों मरीजों के सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस कर लिए गए हैं। 883 सैंपल्स हम लोगों ने 26 तारीख की, क्योंकि हम लोगों ने ये ट्रैक करना चालू कर दिया है, और पूरे महीने की बात करें तो हम 6,500 करीब जीनोम सीक्वेंसिंग जो हमारे उसमें सिस्टम में आई है वो हमने नोट की है। कॉन्टैक्ट 3 टाइप के हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। नंबर 1 प्राइमरी कॉन्टैक्ट, नंबर 2 सेकेंडरी एंड नंबर 3 टर्शरी। जो रिमोटेस्ट कॉन्टैक्ट भी हैं वो इस पूरे केस के ट्रेस कर लिए गए हैं दोनों के। कर्नाटक में मिला ओमिक्रॉन वेरियंट के 66 साल उम्र वाला पहला मरीज 27 नवंबर को दुबई जा चुका है। उससे सीधे संपर्क में 24 लोग आए थे, जबकि 240 लोग इन 24 लोगों के संपर्क में आए थे। वहीं 46 साल उम्र वाले दूसरे मरीज की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी। उसके सीधे संपर्क में 13 लोग आए, जिनमें से 3 पॉजिटिव पाए गए हैं। सेकेंडरी कॉन्टेक्ट में 205 लोग आए, जिनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कुछ ही महीने पहले देश ने भारी तबाही और बर्बादी कोरोना की वजह से देखी। लाखों लोगों की जान गई, लाखों परिवार तबाह हुए। अभी भी कोरोना से लोगों की जान जा रही है, लेकिन शायद लोग ये भूल चुके हैं, तभी तो कोरोना प्रोटोकॉल का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। We need not panic, but awareness is absolutely essential. COVID appropriate behavior is required. Increased vaccine uptake is the need of the hour. So do not, and I emphasize, do not delay in getting fully vaccinated. Most important, both doses of vaccine must be
ensured. हालांकि एक्सपर्ट्स द्वारा कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोरोना के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने से ओमिक्रोन वेरिएंट से बचा जा सकता है। विज्ञान की तरफ से इस नई चुनौती को जैसे फेस करना है, जो सवालों के जवाब आज हमारे पास नहीं है, उन सवालों के जवाब के लिए जो काम लेबोरेटरीज में होना चाहिए, उस काम के लिए जो हमारा साइंटिफिक तंत्र है, हमारी लेबोरेटरीज हैं, वो भी इसमें जुट गई हैं। ओमिक्रोन के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, नॉट फियर बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मंत्र दैट वी विल टेक फॉरवर्ड। सवाल तो ये भी है कि अगर डरना नहीं है तो फिर दुनिया के कई देशों ने ओमिक्रोन वेरिएंट के बाद लॉकडाउन क्यों लगा दिया है? अगर इससे खतरा ज्यादा नहीं है तो फिर ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स और स्लोवाकिया जैसे देशों में लॉकडाउन क्यों है? अगर उन्होंने लॉकडाउन लगाया है तो जाहिर है उन्हें खतरा महसूस हुआ होगा, और भारत को भी चाहिए कि इस खतरे को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। हकीकत यह है कि ओमिक्रोन वेरिएंट से जूझ रहे मरीजों की संख्या अभी बहुत कम है, लेकिन आशंका यह है कि आने वाले वक्त में ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि ये तेजी से फैल रहा है। और सवाल यह है कि अगर हालात कोरोना की दूसरी लहर जैसे हुए तो क्या होगा? क्या हम उससे निपटने के लिए तैयार है? क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी? क्या अस्पतालों में बेड्स हमें मिल जाएंगे? इन सवालों के जवाब आज इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार अगर कोरोना कंट्रोल से बाहर हुआ तो फिर जो तस्वीर लाखों लोगों ने सपने में भी नहीं सोची थी वो एक बार फिर से सामने आएगी। कोई नहीं देखना चाहता है, ना आप देखना चाहते हैं वो मंजर, ना मैं देखना चाहती हूँ, ना इस देश का कोई और बाशिंदा देखना चाहता है। तो हम तैयार कितने हैं, सरकार कितनी तैयार है, हिंदुस्तान का ये सिस्टम कितना तैयार है, उसी तरफ इशारा करती अब ये अगली रिपोर्ट है। क्या आपको इन लोगों में कहीं भी कोरोना को लेकर कोई डर दिखा? क्या इस भीड़ को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि इस तरह कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, और ये तब है जब पिछले कई दिनों से हर तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन की ही चर्चा हो रही है। लोगों में भले ही इसे लेकर डर ना हो या इससे वो खतरा महसूस नहीं कर रहे हों, लेकिन सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं होने वाले यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी है। 7 दिन का होम क्वारंटीन और 7 दिन की सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग अनिवार्य कर दी गई है। चीन, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, ब्राजील, यूरोप, सिंगापुर, यूके, मॉरिशस, बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों के लिए ये सारे नियम अनिवार्य होंगे। साउथ अफ्रीका से एक नया वेरिएंट कोरोना का, जिसे ओमिक्रोन कहा जा रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर चिंता का विषय बना हुआ है। जो भी अफेक्टेड कंट्रीज हैं उनसे आने वाली फ्लाइट्स में सभी लोगों को एयरपोर्ट के पर आरटीपीसीआर टेस्ट सबका किया जा रहा है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में ओमिक्रोन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। विदेश से लौटे 67 लोगों को निगरानी पर रखा गया है। सभी को 14 दिन होम आइसोलेशन में रखा गया है। मुंबई में तो ओमिक्रोन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। मुंबई के जम्बो कोविड सेंटर को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। ओमिक्रोन ने जो है वो टेंशन बढ़ा दी है लोगों की। वैसे में राज्य सरकार की तरफ से, बीएमसी की तरफ से ये कहा गया है कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, सारे पर्याप्त जो सुविधाएं हैं वो की गई हैं। जो भी लोग हाई रिस्क कंट्रीज से आएंगे उसको क्वारंटीन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग ने ये 1000 बेड का रिचर्डसन क्रूडास जम्बो कोविड सेंटर पैसेंजर्स के फैसिलिटी के लिए बनाया है। ये ऑलरेडी एक कोविड सेंटर था जहां पे पॉजिटिव पेशेंट ट्रीट कर रहे थे, फुली ऑक्सीजनेटेड है, 1000 बेड है। हाई रिस्क देशों से आए यात्रियों को 7 दिन क्वारंटीन में रहना अनिवार्य है। एयरपोर्ट पर हाई रिस्क देशों से आए यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें एयरपोर्ट से जाने दिया जाएगा। मुंबई की मेयर के मुताबिक उन्हें नहीं पता कि नया वायरस कितना खतरनाक है, लेकिन उसके लिए तैयारी हो चुकी है। 4 जो आते हैं वो हाई रिस्क कंट्री से आते,
और तीन आते हैं लो रिस्क कंट्री से आते हैं। हाई रिस्क कंट्री के लिए तो सब जगह में, ऐसा नहीं कि मुंबई में, सब जगह में उनको क्वारंटाइन किया जाता है और उनका टेस्टिंग होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर टेस्टिंग बढ़ा दी गई है विदेश से लौटने वालों के लिए। लोकबंधु अस्पताल में 20 बेड रिजर्व किए गए हैं। डॉक्टर्स और दूसरे सपोर्ट स्टाफ की ड्यूटी भी लगा दी गई है और एम्बुलेंस आने का रास्ता सब कुछ हम लोगों ने कोविड के हिसाब से अलग से किया है। अभी फिलहाल 20 बेड हम लोग तैयार किए हुए हैं। दरअसल तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दूसरी लहर में देश भर में क्या हुआ था ये पूरी दुनिया ने देखा था। वैसी हालत फिर ना हो इसीलिए तैयारियां हो रही हैं। सबसे पहली जरूरत है ऑक्सीजन की, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दूसरी लहर के दौरान देश भर में रोजाना ऑक्सीजन की डिमांड 9000 मीट्रिक टन हो गई थी। डिमांड को पूरी करने की कोशिश की गई और मई 2021 आते आते देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन 9690 मीट्रिक टन तक पहुंच गया था। अक्टूबर 2021 तक देश में 1191 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट से प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। हर जिले में अब कम से कम एक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट मौजूद है। केंद्र और राज्यों ने मिलकर इस दौरान 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए। ऑक्सीजन के अलावा दूसरी कमी जिसने लोगों की जान ली वो थी अस्पतालों में बेड की। मरीजों को सड़क पर रहना पड़ा, बेड की कमी से इलाज नहीं मिला, जान चली गई। लेकिन इस बार तैयारी मजबूत है। मार्च 2020 में जहां आइसोलेशन बेड्स की संख्या 10,180 थी, वहीं जुलाई 2021 में ये बढ़कर 18,21,845 हो चुकी है। वहीं मार्च 2020 में आईसीयू बेड्स की संख्या जहां 2,168 थी, वहीं जुलाई 2021 में ये बढ़कर 1,22,035 हो चुकी है। हालांकि अभी तक राहत की खबर ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भले ही तेजी से फैलता हो लेकिन इससे खतरा कम है, पर इसे पूरी तरह सच मान लेना ठीक नहीं है। इसलिए बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए। देखिए, देश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है, अब ये आप जान गए हैं और इसीलिए इसके लक्षण के बारे में जानना बेहद जरूरी है। नोट कर लीजिए, जहन में बैठा लीजिए, ओमिक्रॉन से पीड़ित मरीज के गले में खराश होती है। सबसे ज्यादा यही चीज देखने को मिलती है, खराश होती है। वायरस के इस वेरिएंट से पीड़ित लोगों को बहुत ज्यादा थकान होती है, उन्हें लगता है कि आप काम नहीं हो पाएगा, आप चल नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। हालांकि कोरोना के दूसरे वेरिएंट की तरह इस वेरिएंट से पीड़ित लोगों को स्वाद और सूंघने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। ऑक्सीजन लेवल भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं गिरता है, लेकिन फिर बता दूं ये बहुत तेजी से फैलता है। अब तक कोरोना के कई वेरिएंट आ चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि ओमिक्रॉन को इतना खतरनाक माना क्यों जा रहा है, मैं बताती हूँ आपको। दरअसल ओमिक्रॉन अब तक जितने वेरिएंट इसके आए हैं उनमें सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला है और दोबारा भी लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है ये। इस वेरिएंट पर वैक्सीन का कितना असर हो रहा है अब तक इसकी जांच चल रही है। कुछ चीज़ें पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती है, कितना गंभीर हो सकता है इसकी भी पुख्ता जानकारी अभी तक मिली नहीं है। इसके तेजी से फैलने की वजह से दुनिया में जाहिर सी बात है कोहराम मचा हुआ और आशंका ये है कि अगर एक बार ये फैलना शुरू हुआ तो किसी भी देश की स्वास्थ्य सेवाएं जो है, सुविधाएं जो है, वो चरमरा सकती है। ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार का अंदाज़ा आप दक्षिण अफ्रीका के कोरोना के डेटा से लगा सकते हैं और हम आपको सिर्फ सचेत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पिछले 5 दिनों के कोरोना के रिकॉर्ड यानी ग्राफ को दिखा रहे हैं। डरना नहीं है लेकिन सावधान रहना है। 27 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में 3,220 केसेस आए थे, 8 की मौत हुई। फिर अगले दिन 2,858 केसेस सामने आए, 6 की मौत हुई। 29 नवंबर को नए केसेस की संख्या 2,273 थी, मौत का आंकड़ा बढ़कर 25 हो गया। और फिर 30 नवंबर को नए मरीज की संख्या 4,373 पहुंच गई, 21 लोगों की मौत हुई। यानी 1 दिसंबर को अगर मैं कहूं तो मरीजों की संख्या 8,561 हो गई, 28 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई। ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, पालन इसका बहुत ज़रूरी है। इसमें ज़्यादा वही बातें हैं जो हम जानते हैं, फिर भी एक बार फिर से आपको याद दिलाना ज़रूरी है। वो क्या है? सबसे ज़रूरी ये है कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जाकर फौरन वैक्सीन लगवाइए। अगर एक डोज लग चुकी है
तो फौरन दूसरी डोज जाकर लगवा दीजिए। मास्क पर खास ध्यान दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए अगर हाथ नहीं धो सकते हैं तो। इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। ओमिक्रॉन काफ़ी तेज़ी से फैलता है, लेकिन अब तक की स्टडी से ये ज़रूर पता चला है कि इसके लक्षण बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है। इसके बावजूद इसे लेकर लापरवाही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का डेटा बताता है कि मौत का आंकड़ा बढ़ा है। मास्टर स्ट्रोक में अब आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण की बिसात समझने का वक्त है। आज यूपी में बीजेपी के मोर्चे पर गृहमंत्री अमित शाह थे, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी थी, समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव ने संभाल रखी थी। अमित शाह और प्रियंका गांधी दोनों ही पश्चिमी यूपी के रण में उतरे थे। सीटों के लिहाज से ये यूपी का सबसे बड़ा इलाका है। 2017 और 2019 में बीजेपी को ताज पहनाने में इस इलाके की बड़ी भूमिका रही, लेकिन किसान आंदोलन ने इस इलाके को लेकर बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। विरोधी भी बीजेपी की कमजोरी को हथियार बना रहे हैं, और इसीलिए पश्चिमी यूपी की कमान अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है, जिनकी सदी हुई रणनीति से पिछले दो चुनावों में पश्चिमी यूपी की में जो कमल है वो खिल पाया है। किसान आंदोलन, SPRLD गठबंधन से बदले हालात, ये चक्रव्यूह जो बन रहा है उसे कैसे अमित शाह निपटेंगे, अब अगली रिपोर्ट यही समझाती हुई। यूपी की लड़ाई में दिग्गज मैदान और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आपने पीतल नगरी बनाई, ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है। आने दो 2022 का चुनाव, खदेड़ा होबे कि ना होबे। राजनीति के दिग्गजों का ये अंदाज बता रहा है कि उत्तर प्रदेश का रण पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। बीजेपी के सपने को साकार करने यूपी पहुंचे अमित शाह ने सहारनपुर में जनता से जो संवाद किया, उससे ये भी साफ हो गया कि सत्ता की चाबी पश्चिमी यूपी में ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले, इस बार टन 300 पार होगी या नहीं होगी? क्या 300 पार होगी? पक्का होगी? मोदी जी को बता दे। सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि विरोधी भी पश्चिमी यूपी की अहमियत को समझते हैं। अमित शाह सहारनपुर में बीजेपी के लिए वोट की बैटिंग कर रहे थे, तो उनसे सिर्फ 200 किलोमीटर दूर प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए दम लगा रही थी, और दोनों ही जनता के आशीर्वाद के लिए झोली फैला रहे थे। मैं आज समग्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को निवेदन करना चाहता हूँ, फिर एक बार आपके आशीर्वाद की जरूरत है, फिर एक बार आपके समर्थन की जरूरत है। बारिश हो रही है और कष्ट नहीं दूंगी, और अगली बार अपने पति को भी यहाँ लेकर आऊंगी, अपने ससुराल आप सबसे मिलवाऊंगी। दरअसल किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को पश्चिमी यूपी में खतरा महसूस हो रहा है, और विरोधी किसान आंदोलन को ही हथियार बनाकर बीजेपी को पटकनी देने की विसात चल रहे हैं। इसलिए अमित शाह ने सहारनपुर में गोल पोस्ट शिफ्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सहारनपुर में अमित शाह ने हर वो बिसात बिछाई जिस पर खेलने की बीजेपी एक्सपर्ट है। उन्होंने पलायन का भी जिक्र किया और पाकिस्तान का भी नाम लिया कि 2017 में यही सहारनपुर में मैं आया था। मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएंगे। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। चुनाव यूपी का, और बीजेपी के सामने सबसे बड़े दावेदार के तौर पर अखिलेश खड़े हैं। इसलिए अमित शाह ने जब राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो अखिलेश का नाम भी लेने से नहीं चूके। ताना लगाया था वही मंदिर बनाएंगे, मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने आज
अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर के निर्माण का काम किया। बीजेपी को ये सभी मुद्दे सूट करते हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के बिसात किसानों के बिना जीत पाना नामुमकिन है, जो बीजेपी से नाराज माने जा रहे हैं। अब बीजेपी उन्हें मना रही है तो विपक्ष इस गुस्से को हवा दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना मिलों को बंद कर अपने चट्टों बट्टों को बेचने का बड़ा षड्यंत्र चलता था। इसकी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, कहीं पर भी एक भी मिल भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनने के बाद बेची नहीं गई है, बंद नहीं हुई। तब तक 90% किसानों का गन्ने का भुगतान करने का काम हो चुका है। आप ही को मालूम है कि गन्ना का कितना आपको भुगतान मिला, अभी भी 4,000 करोड़ का भुगतान बचा है। एक हवाई जहाज जिसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बैठ के घूमते हैं 8,000 करोड़ का है। आपका पूरा गन्ना का भुगतान 4,000 करोड़ का है। संसद के सुंदरीकरण में ये लोग 20,000 करोड़ खर्च सकते हैं, आपके लिए कुछ नहीं दे सकते। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को विपक्ष का वार ही परेशान नहीं कर रहा, किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत का भी ये गढ़ है, जो लाख कोशिशों के बाद भी आंदोलन खत्म करने को राजी नहीं है और बीजेपी के खिलाफ उनके वार रुकने का नाम नहीं ले रहे। किसान खेत में नहीं जाएगा तो घास जम जाएगा, उनका नाश हो जाएगा उस किसान का, जो उनसा किसान खेत को नहीं देखे। और जो उनसे पॉलिटिकल आदमी हैं, ये अगर जनता के बीच में वोट नहीं मांगेंगे तो इनका नाश होगा। यूपी की लड़ाई कई मोर्चों पर है, बीजेपी विकास और हिंदुत्व के हथियार से लड़ाई जीतना चाह रही है तो अखिलेश वोटों के गुलागलित और सीएम योगी पर सीधे हमला कर अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन प्रियंका ने भी पूरा दमखम लगाया हुआ है और राजनीति में दो मजबूत खिलाड़ियों की लड़ाई में कई बार कमजोर ही किंग मेकर बन जाता है। तो ये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति आपने समझी और देखी। उस मोर्चे की बात करनी जरूरी है जिसने कांग्रेस पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की 23 साल पुरानी एक पार्टी ने नींद उड़ा दी है और ये पार्टी निकली कांग्रेस से ही है। अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को 23 साल ये पुरानी पार्टी चुनौती दे रही है। ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो खुद 2024 के लिए विपक्ष का चेहरा घोषित करना चाहती है अपने आप को। वो अपनी लकीर लंबी करना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस की लकीर को छोटी करके, और इसीलिए वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ हमलावर दिख रही हैं। कल उन्होंने यूपीए को ही नकार दिया तो आज कांग्रेस ने बैटिंग की, कह दिया ममता बनर्जी यूपीए का हिस्सा है ही नहीं, वो तो पहले ही छोड़ चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के बगैर विपक्ष पूरा है? और अगर विपक्ष ऐसा ही बिखरा हुआ रहेगा तो 2024 में मोदी का मुकाबला कैसे करेगा? इसी चीज को समझाती हुई ये अगली रिपोर्ट खासतौर पर आपके लिए तैयार की है। जय बांग्ला, जय हिंद, वंदे मातरम। वो तब नहीं हो पाएगा जब आप भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए खड़े हो जाएंगे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। मोदी जी के मुखबिर बन के ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को ये तोड़ना चाहती है। लड़ाकू लोगों को अगर आप ऐसा डिस्करेज करते हो तो मैं समझता हूँ ये इससे बीजेपी को मदद होती है। क्या कर लेगी ईडी, क्या कर लेगा कोई, क्या कर लेगा आईटी, क्या कर लेगा सीबीआई? अरे हिम्मत रखो, जेल जाएंगे, जाएंगे जेल में, क्या क्या डरते क्या हम लोग? ममता बनर्जी के इस एक बयान ने कांग्रेस को बहुत अंदर तक हिला दिया है। शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए। अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है, यूपीए क्या है, यूपीए क्या है? ममता ने यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाए तो कांग्रेस बुरी तरह से बिलबिला गई। ममता बनर्जी ने सिर्फ यूपीए पर ही सवाल नहीं उठाए बल्कि राजनीति को लेकर राहुल गांधी की गंभीरता पर भी बड़ी टिप्पणी कर दी। अच्छा है, हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ से रेलक भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है
अगर कोई कुछ करते नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? ममता के ये बयान कांग्रेस नेताओं को बहुत अंदर तक चुभे हैं, इसीलिए ममता बनर्जी पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। 20% पॉपुलर वोट कांग्रेस के साथ है और टीएमसी के साथ है 4%, इधर 20%, इधर 4%। ये कुछ नहीं, मोदी जी के मुखबिर बन के ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को ये तोड़ना चाहती है। किसी ने कुछ उनको ईडी का लगाया, सीबीआई का लगाया, किसी को लुभाया, किसी को मंत्री बनाने का कहा, तब ये ऐसी स्थिति चंद जगह पैदा होगी। कांग्रेस का हर नेता आज ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने के लिए आया था। दिग्विजय सिंह ने तो ये तक कह दिया कि ममता बनर्जी ईडी और आईटी की रेड से डर गई हैं। तो कांग्रेस की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी को ममता का प्रेरणा स्रोत तक बता दिया गया। देश में अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा से कोई लड़ना है तो सबको एक होना पड़ेगा और इन छोटी छोटी बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कर लेगी ईडी, क्या कर लेगा कोई, क्या कर लेगा आईटी, क्या कर लेगा सीबीआई? अरे हिम्मत रखो, जेल जाएंगे, जाएंगे जेल में, क्या क्या डरते हैं हम लोग? क्या ममता जी भी वही नहीं कर रही जो मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी भी विधायक खरीदते हैं, ममता जी भी विधायक खरीदती हैं। मोदी जी भी पार्टियां तोड़ते हैं, ममता जी भी पार्टियां तोड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका प्रेरणा स्रोत जो एक समय में इंदिरा जी, राजीव जी थे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी, तो कहीं ना कहीं वो फांसीवादी सोच जिससे वो लड़ने की बात करती हैं, वो फांसीवादी सोच ही उनकी प्रेरणा तो नहीं बन गया? ममता बनर्जी पर कांग्रेस का आरोप है कि वो उन राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं जहां कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी हार रही है, और ऐसा करके वो कांग्रेस का नुकसान कर रही हैं। लेकिन टीएमसी का कहना है कि वो उन्हीं राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं जहां विपक्ष कमजोर है। आपका नामो निशान नहीं है, वहां जाकर आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बीजेपी से नहीं लड़ रहे। आप अब उत्तराखंड जाकर भी आपको मालूम है कि बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है। आप उत्तराखंड जाकर भी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो आप मदद किसकी कर रहे हैं? आप मोदी जी के साथ हैं या आप उस विचारधारा के साथ हैं जो भारत की समरसता की विचारधारा है? की फोकस है बीजेपी को हटाना है, जहां विपक्ष या पार्टी जो है, राजनीतिक दल जो है, वो बीजेपी को दूर रख सकता है। हम लोग वहां जल्दी में नहीं जाएंगे। हमको तमिलनाडु में अभी कोई यूनिट खोलना नहीं है। तृणमूल को डीएमके वहां है, अच्छा लग रहा है। दूसरा, हमको महाराष्ट्र में नहीं खोलना है कुछ यूनिट। हम क्या उत्तर प्रदेश में, हम लोग तो ये असेंबली में नॉट फाइटिंग द इलेक्शन, लेकिन वी विल नॉट अलाउ, इफ वी सी अ वीक ऑपोजिशन अगेंस्ट बीजेपी देन वी विल गो इन। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को ये सारा ज्ञान उनके पॉलिटिकल एडवाइजर स्ट्रेटेजिकली प्रशांत किशोर दे रहे हैं। इस पूरे विवाद में उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जिस विचार का प्रतिनिधित्व करती है वो एक मजबूत विपक्ष के लिए बहुत अहम है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व पर एक व्यक्ति का ही दैव्य अधिकार नहीं है, खासकर तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% से ज्यादा चुनाव हार चुकी हो। विपक्ष के नेतृत्व का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने दे, ऐसा वो ट्वीट करते हैं। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि वो किसी कंसल्टेंट की टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। प्रशांत किशोर ने पूरा सवाल अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठा दिया है और यही काम ममता बनर्जी भी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ममता बनर्जी पर हमलावर है और समझा भी जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल चुनावों में जीत के बाद अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अब ममता बनर्जी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रही हैं और इसके लिए वो हर संभव कोशिश कर रही हैं, हर उस पार्टी से और नेता से मिलने की कोशिश कर रही हैं जिसका अपने क्षेत्र में जनाधार है। ममता बनर्जी ये बात बखूबी जानती हैं कि कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से कांग्रेस की हालत तो और खराब हो गई है।
छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है। इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार चला रही है, लेकिन वहां पार्टी की भूमिका छोटी पार्टी वाली है। कांग्रेस के इसी पॉलिटिकल स्पेस पर ममता बनर्जी कब्जा करना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक अदृश्य कैंपेन लॉन्च की है। वैसे भी पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की राष्ट्रीय पार्टियों में टीएमसी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था, कांग्रेस से भी ज्यादा अच्छा। आंकड़े देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 421 सीटों पर लड़ी और जीती सिर्फ 12% यानी 52 सीटें, जबकि तृणमूल कांग्रेस कुल 62 सीटों पर चुनाव लड़ी और जीती 35% पर यानी 22 सीटें। बीएसपी देश भर में 383 सीटों पर लड़ी लेकिन जीती सिर्फ 10 पर यानी सिर्फ 3% सीटें। ये बात सही है कि ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनना चाहती हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस के बिना विपक्ष सरकार बना पाएगा। जो लोग हमारे साथ आना चाहें आएं, ना आना चाहें ना आएं। प्रश्न इस बात का है कि क्या इस देश में आज की राजनीतिक परिस्थिति में कोई भी गठबंधन जो भाजपा के खिलाफ हो, क्या वो कांग्रेस के बिना चल सकता है? हो सकता है कि राजनीतिक गुणागणित करके ममता बनर्जी विपक्ष की नेता भी बन जाए, लेकिन यह भी तथ्य रहेगा कि टीएमसी को अभी पूरे देश में अपनी पहुंच बनाने में बहुत वक्त लगेगा, जबकि कांग्रेस की पहुंच पूरे देश में पहले से मौजूद है। ।2024 में अभी वक्त है और इस बीच आप जानते हैं कि नदी में बहुत सा पानी बह चलेगा, किस तरफ क्या होता है उस पर नजर हमारी बनी ही रहेगी। ABP News, आपको रखे आगे।